है आपको उसमें क्या कुछ? अभी तक यकीन करें कि कोई मुसविदा नहीं है, सबके सब एजम्पशन है, सबके सब जो है वो आप यूं समझे ना तुक्के लग रहे हैं, क्योंकि ये अजीब ही वो है कानून साजी हो रही है, आईन में अजीब गैर आईनी तरमीम हो रही है कि मैंने पहले भी कहा था कि पीएमएलएन स्कूल के बच्चों की तरह छुट्टी वाले दिन भी आके अपनी क्लास में पेश हो रहे हैं और वो मुसविदा जो है वो कर रहे हैं जिस मुसविदा को उनको खुद नहीं पता। मैं आपको ये बता दूं कि इंसान उस चीज के ऊपर बात कर सकता है, उस चीज के ऊपर कोई कमेंट पास कर सकता है अगर आपने कोई मुसविदा देना हो। देखिए, अगर आप पब्लिक के लिए कोई तरमीम करते हैं ना, सारी दुनिया को पता है कि 18वीं तरमीम क्या थी, 19वीं क्या थी। अगर आप अभी तरमीम करने ही भी जा रहे हैं ना, तो पहले तरमीम टेबल होती है, सारी मीडिया को, दुनिया को, ऐवान को पता चलता है, फिर कमेटीज में उसके ऊपर डिस्कशन होती है, तब जाके कहीं पर पास होता है, फिर ऐवान में उसके ऊपर बहस होती है। और वो इसलिए होती है कि वो आम आवाम के लिए आप कर रहे होते हैं, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कर रहे होते हैं, जहां पे आप शब खून मारना चाहते हैं, जहां पे आप आइन को पामाल करना चाहते हैं, जहां पे आप पर्सन स्पेसिफिक चेंजेस करना चाहते हैं, जहां आप चाहते हैं कि आपकी जाती ख्वाहिशात पूरी हो, तो फिर रात के अंधेरों में इसी तरह शब खून मारा जाता है। अदरवाइज मुझे बता दें कि पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम से इस वक्त मीडिया सारा का सारा वेट कर रहा है, सोशल मीडिया वेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वेट कर रहा है, सारे वी लॉगर खड़े हुए हैं, सारा पार्लियमान यहाँ पे बैठा हुआ है, छुट्टी वाला दिन है, कल भी सैटरडे को छुट्टी थी यहाँ पे इस्लामाबाद में, जी 2 घंटे के बाद मीटिंग हो रही है, 4 घंटे के बाद जो है वो ऐवान का इजलास हो रहा है, फिर जी 6 घंटे के बाद। मुझे बता दे कि पाकिस्तान के आवाम से क्या छुपाया जा रहा है, कौन सी ऐसी काले कानून पास करने की कोशिश कर रही है पीएमएलएन, जिस वक्त मार्शल लॉ प्लस लगा के बैठी हुई है। अभी जो 10 सितंबर सानिया पार्लियामेंट हुआ था, क्या इससे पीएमएलएन ने कुछ नहीं सीखा? जब आपने इलेक्टेड नुमाइंदों को यहां से उठाया और आपने पार्लियामान की बेतुकीरी की, अब आप मजीद कौन सी ताकत किसको देना चाहते हैं हमें नहीं समझ आ रही है। आप इनके पीएमएलएन के अपने नुमाइंदे से पूछे तो यकीन करें उनको कुछ भी नहीं पता है। अब ये कौन सी कानून साजी हो रही है हमारी समझ से तो बाहर है।